नमस्कार, ठीक है। ओके, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन नए साल के नए हफ्ते के एक नए दिन पर आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करता हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देखिए देवियों सज्जनों, नए साल का शुभारंभ हो चुका है और हम सब इस साल की जो टू डू लिस्ट होती है ना, या क्या करना है की जो लिस्ट बनाने में जुट गए, यानी इस साल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना इस बार हम क्या क्या करने वाली लिस्ट की जगह क्या क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बनाएं, तो शायद जीवन और ज़्यादा बेहतर बन जाए। जैसे कि देखिए, हम हमेशा तय करते हैं कि अब से हम समय का जो है सदुपयोग करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि यदि हम समय की बर्बादी को होने से रोक दें तो समय का सदुपयोग अपने आप हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अब से हम ज़्यादा खुश रहेंगे, है ना, लेकिन खुशियाँ बढ़ाने का प्रेशर लेने की जगह यदि हम चिंताओं का प्रेशर कम कर दें तो खुशियाँ अपने आप दुगनी हो जाएंगी। हर साल हम ये रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अब से अपनी हेल्थ यानी अपने स्वास्थ्य पर हमें काम करना है। हेल्थ पे काम करने की सोच एक अच्छी सोच होती है, लेकिन उससे पहले यदि हम उन आदतों पे रोक लगाएं जिससे सेहत को नुकसान पहुंच रहा हो तो हेल्थ पर अपने आप काम हो जाता है। तो देवियों सज्जनों, यदि हम जीवन निर्माण के इन सभी उपायों को एक टास्क न बनाकर इन्हें हम अपनी जीवन शैली का एक अंग बना देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जीवन अपने आप बेहतर बनने लगता है। नए साल में एक बेहतर जीवन का विचार लिए इस समय मेरे सामने बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट अमृता त्रिवेदी जी। अमृता जी सियोनी मध्य प्रदेश से हैं, ये एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और कल दो लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए थे। मेरी जो मम्मी है, शुरू से एक पिता की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है और एक माँ होने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। मुझे अपने जो फादर है उनका कोई भी ऐसा लाइव मोमेंट याद नहीं है, क्योंकि मुझे उनका चेहरा तक याद नहीं है। 3 साल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी उम्र होती है, तो मैं मतलब जब दूसरों को देखती हूँ कि वो अपने सिर्फ हमने उन्हें फोटो में देखा है। मेरी मम्मी जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो ऑब्जर्वेशन सेंटर है वहाँ पर कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए किसी अच्छे शहर में जाके कोचिंग लूं, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, कहाँ जाओगी, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी एक बार इस बात को समझें, जैसे वो कर सकती हैं वैसे मैं भी कर सकती हूँ। मैंने उन्हीं से सीखा है कि हम कैसे बाहर निकल के अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। चांदी जी, आपके मन के अंदर जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ कि आप अकेली हैं और बेटी को बाहर भेजने में या अपने मन की बात करने में शायद कहीं ना कहीं आपके मन में ये संदेह उठता होगा, लेकिन अमृता मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत अगर आपको छूट दे दी जाए तो आप बाहर जा कर के, आप अभी तैयारी कर रही हैं इम्तिहान की और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो एकदम उसमें आप सक्षम हो और जो कुछ भी आप करना चाह रही हैं वो आखिर में जा कर के पूरा हो जाए। ऑलराइट, तो माता जी आपको प्रणाम करता हूँ। सर, मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी उनके लिए आप कुछ बोलेंगे? यस सर। क्यों, कल आपने कुछ गलत छलत बोल दिया था, रात को डांट पड़ी क्या आपको? नहीं सर। तो फट जाए, पहले उनका स्वागत तो कर लीजिए। स्वागत करते हैं हम आपका। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके बारे में, बोलने इजाजत अगर आप देंगे तो ही हम इनको देंगे इजाजत। ठीक है, बोलिए। मैं मम्मी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जितना भी हम लोगों को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे पहले रखा है, और एक अकेली पेरेंट्स होके मतलब फादर, मेल फिगर कोई नहीं था घर में, ना ब्रदर थे ना फादर थे,
तो मैं उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को प्रायोरिटी पे रखा और हमारी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा और इतना संघर्ष करके हम लोगों को आगे बढ़ाया है लाइफ में, तो मैं उनके उस चीज़ के लिए उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अमृता जी, सारा कुछ वैसे ही है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं, उनका परिचय हम दे देते हैं आपको। दिव्या संजू, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं सुपर 30 के जनक, मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार जी। आनंद जी इस दौर में पहले भी हमारे साथ यहाँ पर आए और बहुत से हमारे खिलाड़ियों की उन्होंने मदद की है, और मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। आज के इस पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ पटना बिहार से लाइव जुड़े रहेंगे। ऑलराइट, आनंद कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा एक बार फिर कि आप हमारे साथ एक एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। ये सर हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान शख्सियत से बार बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपकी फिल्मों को देखकर महानायक के तौर पर सब लोग सीखते हैं आपसे। मैं जीवन में कैसे किससे व्यवहार किया जाए, प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होता है, व्यवहारिकता क्या है, मैं आपके से हमेशा आपके सोशल मीडिया से सीखता हूं कि इनसे क्या रिएक्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज मैं इतना भी भूत हूं कि सर मैं एकदम निशब्द हो गया हूं आपके सामने। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि जितनी बातें आपने कही हैं वही बातें मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। आप एक विद्वान हैं, आपसे हमको सीख मिलती है कि कैसे अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। कितना ज्ञान आपने बांटा है, लोगों के जीवन को आपने एकदम बदल दिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। ऑलराइट अमृता जी, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अमृता जी, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आज के खेल का पहला प्रश्न। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। वस्तु की तरल पदार्थ पर तैरने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किस माप का प्रयोग किया जाता है? What measure is used to determine the ability of an object to float in a liquid? ऑप्शन सुनिए, ए वॉल्यूम, बी वेलोसिटी, सी टेम्परेचर, डी डेंसिटी। हिंदी में देता हूं, आयतन, वेग, तापमान या घनत्व। तैरने की क्षमता, सर आयतन और घनत्व में लग रहा है, पर अब 50-50 तो सर डी घनत्व को लॉक। डी पे लॉक कर दें। यस सर। श्योर है? यस सर। ऑलराइट, कह रहे हैं डी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। अमृता जी, हमारे बोलने का जो व्यवहार है या जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं, ये जो आपके सामने जो आकार बना हुआ है, ये इससे आप डर रही हैं क्या? यस सर। इतने हम प्यार से, कब से आपसे, कल से बात किए चले जा रहे हैं। यस सर। आप हमको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या है, ये तीर मार देगा हमको। घबराई थी क्यों है आप? एकदम इत्मीनान से खेलिए, ठीक है? हाँ, किसी वस्तु का घनत्व ये निर्धारित करता है कि वो किसी दूसरे पदार्थ में तैरेगा या डूबेगा। कोई वस्तु अगर ऐसे तरल पदार्थ में डाला जाता है जिसका घनत्व तरल वस्तु से कम है तो वो तैरने लगेगा, और यदि इस वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज मास पर यूनिट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए मटीरियल सब्सटेंस, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने अमृता जी। कौन सी काल्पनिक भौगोलिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? विच इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइन डिवाइड्स इंडिया रफली इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, सी या डी आइसोथर्म। मकर रेखा,
कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, समताप रेखा। भारत का नक्शा आपने देखा होगा, इन सारी लकीरों का आपको ज्ञान होगा। बताइए सर, बी कर्क रेखा। बी कर्क रेखा, श्योर है? लगा दे ताला। ओके कंप्यूटर जी, आपने सुन लिया उनको, मैं भी आपको बता देता हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बी पे ताला लगा दीजिए। आप बिल्कुल सही हैं और अभी भी आपके चेहरे पर से डर नहीं गया है, यानी उत्तर देने के बाद भी यदि आप इसी तरह खिलखिला के हंसे ना तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। देवी जी, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री और 30 मिनट पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों, उसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के वो गुजरती है। इतना सब कुछ मालूम है फिर भी आप पता नहीं क्या आपके मन में आ रहा है, रिलैक्स हो जाइए एकदम। आठवां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपये मूल्य है इसका। अमृता त्रिवेदी जी, ये रहा आपके सामने आठवां प्रश्न। इस ऑडियो क्लिप में ये व्यक्ति किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? द पर्सन इन दिस ऑडियो क्लिप इज टॉकिंग अबाउट विच फिल्म? हम आपको एक आवाज सुनाएं, सुनाया जाए आवाज। सुहाना है, दिल का सुहाना है, क्या कहें, बहुत दिल कर रहा है आप सबको मिलने का, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर विशेज वंस अगेन एंड योर कंसर्न। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिलेंगे। आई डोंट नो मूवी कब रिलीज होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिलने की। ये साल का अंत आने को है, लेकिन शुरुआत और भी बेहतर होगी। सर फिर से सुन। हाँ, हम भी फिर से सुनना चाह रहे हैं। यस सर, समझ में नहीं आया। हमको भी समझ में नहीं आया कौन है। सुहाना है, दिल का सुहाना है, क्या कहें, बहुत दिल कर रहा है आप सबको मिलने का, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर विशेज वंस अगेन एंड योर कंसर्न। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिलेंगे। आई डोंट नो मूवी कब रिलीज होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिलने की। ये साल का अंत आने को है, लेकिन शुरुआत और भी बेहतर होगी। अभी आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वही मेरा भी है। यस सर। लेकिन आपके सामने मैं विकल्प रखता हूँ, पता नहीं शायद इसमें से आपको उत्तर मिल जाए। ए 83, बी जर्सी, सी मैदान या डी पंगा। सर ए 83। ए 83 क्या करें, लॉक कर दें? यस सर। इतनी जल्दी आपने उत्तर दे दिया, पहले तो आपके ए पे ताला लगाइए, देखें सही है कि नहीं। कैसे आपने बोल दिया 83? सर ये कपिल देव सर की मूवी, उनकी बायोग्राफी। अच्छा, ये कपिल देव जी की आवाज थी? यस सर, लग तो नहीं रही थी। और तो उनका और फिल्मों से क्या ताल्लुक? सर रणवीर सिंह सर कर रहे हैं उनकी मूवी। उनकी मूवी कर रहे हैं वो? यस सर, उनकी ऑटोबायोग्राफी। और मूवी का नाम ये है 83 है? यस सर। अरे अमृता जी, ये पे आपने कहा ताला लगा तो हमने लगा दिया यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। ओके, ये जो आवाज थी बिल्कुल सही कहा आपने, कपिल देव जी की आवाज थी। वो भारत के 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर आधारित फिल्म 83 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां उनकी भूमिका रणवीर सिंह ने निभाई है। इस फिल्म के निर्देशक कबीर खान है। 83 फिल्म का शीर्षक क्यों रखा गया आपको मालूम है? सर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उनकी कैप्टन थे उस 1983 में। वाह क्या बात है अमृता जी, बताइए। जब आप इस सब का हमें ज्ञान देती हैं ना, तो आपका जो चेहरा होता है ना, उसका आकार बदल जाता है। yes, ऐसे ही रखिए आप, जैसे हंस रही हैं आप। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न ये रहा अमृता जी आपके सामने। भगवान विष्णु की लेटी हुई ये मूर्ति मध्य प्रदेश में इनमें से किस जगह स्थित है? Where in Madhya Pradesh would you find this reclining statue of Lord Vishnu? एक तस्वीर हमें आपको दिखानी है, ये रही वो तस्वीर।
देख लिया? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पन्ना नेशनल पार्क, सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या डी सतपुरा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सर सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। श्योर है? एकदम कॉन्फिडेंट है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। बोलिए। यस सर ताला। बोलना पड़ेगा। लॉक कीजिए सर। लॉक कीजिए। हाँ ताला भी बोलते चलेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगा। यस। सी पे ताला लगाइए। वाह क्या बात है अमिता जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 1,60,000 रुपए जीत गई यार। हंसते हंसते जब आप देती ना उत्तर एकदम सही आता है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु सर्पों के राजा शेषनाग पर लेटे हैं और एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई शेषशय्या नामक इस मूर्ति को 1000 या 1100 ईस्वी में माना जाता है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं, चांस वांस मत लीजिएगा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन देन हु मस्ट डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये रहे विकल्प आपके सामने अमृता जी। ए प्राइम मिनिस्टर, बी लोकसभा स्पीकर, सी होम मिनिस्टर या डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फट करके उत्तर दे दिया, विचार और विचारधारा आपकी बदल गई है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। पर ताला लग जाए। वाह बधाई, आपको बिल्कुल सही उत्तर दिया। ₹3,20,000 रुपए जीत ले आपने अमिता जी। वाह इसी तरह आप मुस्कुराती, आपको मालूम है कि आपकी मुस्कुराहट जो है कितनी सुंदर है। वाह बहुत खूब। द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट ऑफ 1969 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर न रहने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का वो निर्वाह भी करेगा या करेंगे, सम्मान स्वरूप उनको हम संबोधित करते हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए। ये चेक आ गया है आपके नाम 3,00,000। ₹3,20,000। कितने खुश नजर आ रहे हैं। अपने जीवन में शायद आपने इतनी बड़ी धनराशि पहले कभी न देखी या कमाई। यस सर, कमाई तो बिल्कुल नहीं है। देखी होगी आप? यस सर। देखी है लेकिन कमाई नहीं है। यस सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता। थैंक यू सर। अमृता जी। यस सर। ये जो तंग कर रही थी ना आपको जी, ये अब शांत हो जाएंगे। हाँ शांत हो गई है। और जो हमारा जो 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार एकदम भाग करके खुल जाता है। देखा कितने अच्छे संगीत के साथ ये द्वार खुल गया है। अगले प्रश्न को जरूर खेलिएगा क्योंकि आप कुछ खोएंगी नहीं यदि गलत हो गया तो। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, वीडियो कॉल और आज से एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए अमृता जी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। महिष्मती और उज्जैनी किस प्राचीन महाजनपद के 2 महत्वपूर्ण नगर थे? महिष्मती, उज्जैनी were 2 important towns in which Mahajanapad. Option rakhta hun. A. Avanti. B. Kamboj. C. Ang. D. Panchal. Soch lijiye aaram se. Sir, option A. Avanti. सर ऑप्शन ए अवंती। शोर है? सोच लिया? यस सर। कितना हम बोले आपको कि सोच समझ कर उत्तर दीजिए? सोच लिया? यस सर। शोर है इसके बारे में? क्या किया जाए? सर लॉक ए। लॉक कर दें? ऑप्शन ए। यस सर। अवंती ए पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी।
नहीं नहीं सही है एकदम। माता जी से हम पूछना चाहेंगे, माता जी आप खुश हैं कि नहीं? जी बहुत खुश हैं, बहुत। 6,40,000 रुपए जीत ले इन्होंने। जितना भी संघर्ष आपने किया हो अपने जीवन में, जैसी भी आपकी परिस्थितियां रही हो, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सम्मान आज हम अमृता जी को भी देंगे कि उन्होंने इतना परिश्रम करने के बावजूद परिस्थितियों का सामना किया और आज उसी परिश्रम की वजह से 6,40,000 रुपये जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, वेल डन। अब आएगा 12वां प्रश्न, ये है 12,50,000 रुपये। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित संगेस्तर झील या संगेस्तर सो का लोकप्रिय नाम किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री के नाम पर है? द संगेस्तर सो लेक लोकेटेड इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन आफ्टर विच हिंदी फिल्म एक्ट्रेस? ए हेमा मालिनी, बी माधुरी दीक्षित, सी ऐश्वर्य राय बच्चन, डी रेखा। सर कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सर, पहली बार। झील का नाम जो है लोकप्रिय नाम किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री के नाम पर है? नहीं सर। सर लाइफलाइन लेंगी। ओके, दो बची हैं। yes, कौन सी लेंगी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट है आनंद कुमार जी, उनसे हमारा संपर्क करवाइए। आनंद जी, पता नहीं फिल्म से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें बहुत विश्वास है आप पर। आनंद जी एक प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ, हालांकि उसने आपने सुना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित संगेस्तर झील या संगेस्तर सो का लोकप्रिय नाम किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री के नाम पर है? यह है प्रश्न। विकल्प पढ़ने जा रहा हूं और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे। तैयार हो जाइए। ए हेमा मालिनी, बी माधुरी दीक्षित, सी ऐश्वर्य राय बच्चन, डी रेखा। माधुरी दीक्षित जी है, और जैसे हमारी जानकारी है कि कोयला फिल्म के शूटिंग के दरमियान इसका नामकरण हुआ था, और माधुरी दीक्षित होना चाहिए हमारे साथ। अमृता जी, यस सर, सहमत है? यस सर, सर के साथ मान ली बात। यस सर, क्या करें, बोलिए सर। ऑप्शन बी लो। ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। अरे वाह आनंद जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। इस झील को माधुरी झील भी कहा जाता है। माधुरी दीक्षित की फिल्म कोयला के एक गीत की शूटिंग यहीं पर हुई थी और उसी के बाद इस झील का नाम रख दिया गया माधुरी। कई बार ऐसा होता है हमारी फिल्मों में, किसी जगह पर स्थान पर जाकर के शूटिंग हो जाए तो लोग जो हैं वो प्रभावित होकर के बोलते हैं चलो इसका नाम जो कलाकार हैं उन्हीं के नाम पर रख देते हैं। जी ऑलराइट, अब आ गया है 25,00,000 रुपये का प्रश्न। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपए अमृता जी, ये रहा आपके सामने। ओलंपिक में इनमें से किस खेल के टीम इवेंट में दक्षिण कोरियाई महिला टीम ने 1988 में, 88 में, सोल में इसके आरंभ वर्ष से लेकर अभी तक सभी स्वर्ण पदक जीते हैं? In which of these Olympic sports have the South Korean women's team won all gold medals since the team event was introduced at Seoul in the year 1988? Ye rahe vikalp: A fencing, B taekwondo, C judo, D archery. Fencing, taekwondo, judo, तीर अंदाज़ी।
कितनी बार कह रहे हैं हम माता जी को आपको बाहर जाना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, कुछ पता चलेगा आपको। मान ही नहीं रहे माता जी, हमसे बहुत नाराज है माता जी, बहुत बुरी नजर से देख रहे हैं। क्या बोले चले जा रहे हैं, क्या मालूम तुमको बेटी को पालने में क्या क्या करना पड़ता है। ओके, कोई अनुमान है? सर स्पोर्ट्स तो देख स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज। अनिता जी, यदि आपको सही उत्तर न मालूम हो और आपने तय कर लिया हो कि आपको बिल्कुल पता नहीं, तो एक लाइफलाइन है जीवित। मैं तो कहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। कर लें, हो रहा है। अंकित किया जाए, कंप्यूटर जी वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित किया जाए, हो गया है। और पांच नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते, ये है वो नाम। एक है राजेश सर, फिर जीजा जी है, हंसा दी है, दी है कि जी है, दी है सर, दीदी, मतलब दीदी, यस सर, यस, हाँ, और फूफा जी हैं और मामा जी हैं, यस सर, सब के सब जी हैं, यस सर, सर राजेश, किस जी से आप बात करें? सर राजेश सर से, राजेश सर से, ऑलराइट, राजेश सर को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी, और वीडियो कॉल होगा इनके साथ। कौन है ये? सर ये मम्मी के ऑफिस में उनके सीनियर हैं। उनके सीनियर हैं? यस सर। ये स्पोर्ट्स वगैरह में जानकारी? यस सर, सर पीएससी सिलेक्टेड है, वो ऑफिसर है सर। अच्छा, शायद हो सकता है उनके पास इसका आंसर। राजेश जी मैं नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से जी। मान्यवर अमृता त्रिवेदी जी हमारे सामने विराजमान है हॉट सीट पे, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसका उत्तर दे दीजिए ताकि ये 25 लाख रुपए जीत सके। ऑलराइट राजेश जी, 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और अमृता जी आपका समय शुरू होता है अब। सर ओलंपिक में इनमें से किस खेल के टीम इवेंट में दक्षिण कोरियाई महिला टीम ने 1988 में सियोल में इसके आरंभ वर्ष से लेकर अभी तक सभी स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है सर फेंसिंग, ऑप्शन बी ताइक्वांडो, ऑप्शन सी जूडो, और ऑप्शन डी तीरंदाजी। सर ओलंपिक में सियोल में दक्षिण कोरिया सर अभी तक स्वर्ण पदक जीते हैं ताइक्वांडो, तीरंदाजी, जूडो, फेंसिंग, किस महिला टीम ने सर, किस खेल में सर, एनी आइडिया? बताओ, बोलने जा रहे थे कुछ और हो गया समय समाप्त। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए शायद वो। सर मुझे भी सर कोई आइडिया नहीं सर, आई क्विट, आई विल क्विट। किसी तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा आपका? सर ताइक्वांडो लग रहा है, पर सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके, मुझे लग रहा है कि आप अकलमंदी कर रहे हैं, क्योंकि जब लाइफलाइन नहीं है सर, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया भी नहीं है आपका, और 12,50,000 रुपए कोई कम रकम नहीं होती है आपके जीवन में और किसी के भी जीवन में, तो आप क्विट करेंगे? सर यस सर। हो रहे कमिटर महाशय अमृता त्रिवेदी जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, वो क्विट करेंगी, आपको हम अनुमति देते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, तालियों के साथ आपका अभिनंदन, और आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए। ये हमें जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ 12,50,000, 1, 2, 3 और 4। देख लिया अच्छी तरह? यस सर। ये रकम पहले देखी थी आपने? नहीं सर। नहीं देखी ना? नहीं। ध्यान से देखिए, ये चली गई आपके बैंक अकाउंट में तुरंत। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, किसी एक को गेस कीजिए इसका उत्तर, हमें बताना। ऑप्शन बी ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, ताइक्वांडो बी पता लगाया जाए। रॉन्ग आंसर। आर्चरी। आर्चरी, तीरंदाजी। ओलंपिक तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया का दबदबा जो है, 2016 में रियो ओलंपिक में दक्षिण कोरिया के तीरंदाजों ने सभी चार इवेंट में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। इसकी महिला टीम को 1988-88 से अब तक ओलंपिक में हार का सामना करना ही नहीं पड़ा है उन्हें। अमृता जी कैसा लग रहा है पहले तो आप ये बता दीजिए, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने? सर बहुत
बहुत बड़ी चीज है सर मेरे लिए। आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, माता जी के लिए भी बहुत बड़ी चीज, उनके लिए भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज। जी जी, बहुत संघर्ष किया आपने माता जी, आज बेटी ने साबित कर दिया है कि अगर आप इनको बाहर जाने देंगे तो हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए भी जीत जाए। लेकिन कोई बात नहीं, वेल प्लेड अमृता, और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, सही उपयोग कीजिएगा इस रुपये का। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। तो देखा आपने देवियों सजनों, 12,50,000 रुपए अमृता कितनी कमाई इनकी, एक भी कौड़ी इन्होंने अभी तक नहीं कमाई थी, आज 12,50,000 रुपए जीत करके गए। समय आ गया है यहाँ पर कि एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाए। कंटेस्टेंट्स रेडी, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है ये प्रश्न? सबसे कनिष्ठ से शुरू करते हुए भारतीय थल सेना के इन पदों को वरिष्ठता के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द जूनियर मोस्ट, अरेंज दीज रैंक्स इन द इंडियन आर्मी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। समझ गए प्रश्न को? अब जितने भी विकल्प आ रहे हैं उनको समझिए, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे विकल्प। ए फील्ड मार्शल, बी कैप्टन, सी मेजर जनरल, डी कर्नल। करके आवाज हुई और समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी कैप्टन, फिर उसके बाद आता है डी कर्नल, फिर आता है सी मेजर जनरल, और अंत में ए फील्ड मार्शल। यह है सही क्रम, बी डी सी ए। और जिन जिन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए हैं ये रहे उनके नाम। केवल एक, विवेक कुमार। मेरा नाम विवेक कुमार है, प्रेजेंटली मैं मंदसौर मध्य प्रदेश में बतौर पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ। कांस्टेबल को पुलिस विभाग की नींव कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक के साथ में मेनली जो कनेक्ट में रहता है वो कांस्टेबल रहता है, तो इसलिए मुझे अपने काम के प्रति बहुत लगाव है और बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ प्रेजेंटली ग्वालियर में एज ए कांस्टेबल पोस्टेड है। हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो जिंदगी थोड़ी रुकी सी हुई है। लाइफ सीम्स मीनिंगलेस टू मी। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिंदगी में मतलब मुझे किसी चीज़ की खुशी है, जिस चीज़ से संतुष्टि है, तो दैट्स माई वाइफ। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, वो तो हमेशा ही रोमांटिक रहती है। हमने शादी की थी तो हमें लगा था शायद हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में, तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, एक साथ रह लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ ना। जैसे पानी के जितनी रह सकते हैं ना, उस तरीके से है ना, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पुलिस में छुट्टियां वैसे ही बहुत मुश्किल होती हैं दोनों, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। साथ में रह के जीवन जीने में और वर्चुअली ये वीडियो कॉल पर कनेक्ट रहने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। दूर रहने की वजह से अपने जो लार्जर गोल्स हैं, अपन उनके लिए जो प्रयास होना चाहिए उस चीज़ पे फोकस ना देते हुए अपने टेंशन्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करूँ, मैं कम्युनिटी के लिए अपना और अच्छा योगदान दूँ, कुछ अच्छा ओहदा प्राप्त करके। एज ए कॉन्स्टेबल रिफॉर्म नहीं, इतना ज़्यादा नहीं ला सकते जितना चेंजेस अपन बड़ी पोस्ट के तहत ला सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए हम प्रयासरत हैं लास्ट 3 ईयर्स से, जब से शादी हुई है जब से, लेकिन मेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो सही से पहुंचे नहीं पा रहे हैं, तो केबीसी से मुझे बहुत उम्मीद है। हो सकता है जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो देख लें इस चीज़ को,
यहाँ से बात पहुँच जाएगी उन तक और शायद हम दोनों एक जगह पे हो पाएंगे। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर विवेक जी आपको, और आप अपने साथ में अपने कंपेनियन के रूप में अपनी धर्मपत्नी जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। का नाम प्रीति जी है, सही बोल रहा हूं? जी सर। चलिए आज केबीसी के माध्यम से आप दोनों आज इतने नज़दीक आ गए हैं। कितने ही आप लोग चर्चा कर रहे थे कि अलग हमारी पोस्टिंग हो गई है, साथ में नहीं हो सकते हैं, लेकिन केबीसी को हम धन्यवाद देते हैं कि इसकी वजह से आप दोनों आज यहाँ साथ में हैं। ऑलराइट, तो कितने वर्ष हो गए हैं ये पोस्टिंग के? मेरी सर 3.5 साल की सर्विस हो गई है सर जी, और इनकी भी 3.5 साल की सर्विस हो गई है जी। जी, 2.5 साल पहले June 2018 में हमारी शादी हुई थी जी। जी, तो सर ट्रांसफ़र का रहता है इसमें ऐसे कि एक ही डिपार्टमेंट में हैं दोनों, तो मेनली ट्रांसफ़र हो जाता है, पर कुछ इशूज हैं, एप्लीकेशन मैंने दिए हैं अभी, तो वो वहाँ पे ओवर स्ट्रेंथ वगैरह कुछ इशू है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। आई होपफुली के आगे चल के हो जाएगा जब भी सही। आपने बयान भी दे दिया है जी, अगर जो लोग जो ट्रांसफ़र के जो निर्धारित करते हैं जी, जी, वो कार्यक्रम देख रहे होंगे तो आपकी मनोकामना को पूरी कर देंगे, और हम भी यही चाहते हैं जी, जी। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर देख रहे हैं, दोनों का मिलन करवा दीजिए, एक ही जगह पोस्टिंग कर दीजिए, क्या जाता है आपका? ऑलराइट, ओके विवेक कुमार जी, नियम तो आपको पता ही है जी, और जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, आनंद कुमार जी है। तो चलिए बस खेल की शुरुआत करते हैं इसी के साथ, कौन बनेगा करोड़पति, शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ गया है, ₹1,000, ये रहा आपके सामने विवेक कुमार जी। इनमें से कौन सा शब्द एक पुलिस अधिकारी व एक प्रकार के पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है? Which of these is a term used to describe a police official and also a type of bird? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए चिरैया, बी नीलकंठ, सी खंजन या डी कोतवाल। सर प्लीज लॉक डी कोतवाल। कोतवाल डी, डी पे ताला लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक पक्षी का नाम होता है ब्लैक ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो इज ऑल्सो कॉल्ड कोतवाल, और ये जो स्पीशीज है इज नोन फॉर इज अग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स मच लार्जर बर्ड्स सच एज कौवे वगैरह जो होते हैं उनके, और इसका बड़ा तीव्र एक स्वभाव रहता है, और यही वजह है कि शायद कोतवाल नाम रखा गया है उसका। दिस बिहेवियर अर्न्स इट द इनफॉर्मल नेम ऑफ किंग क्रो। जी, स्मॉलर बर्ड्स ऑफ अ नेस्ट इन द वेल गार्डेड विसिनिटी ऑफ अ नेस्टलिंग ब्लैक ड्रोंगो, छोटे जो चिड़िया होती है ना जिनका स्वभाव थोड़ा कमजोर होता जी, है जी। वो इन्हीं के आसपास अपना घोंसला बनाती हैं जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो वर्दी है, अधिकारी है, उनका और इसका स्वभाव जो एक सा है जी, आपको देख करके ही हम लोग सब डर जाते हैं जी। दूसरा प्रश्न है, 2000 आपके सामने, ये रहा विवेक कुमार जी। पल भर में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा, ये विद इन कोट्स है। इस वाक्य में हवा से बातें का क्या अर्थ है? What is the meaning of the phrase हवा से बातें in this sentence? पल भर में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा। ऑप्शन सुनिए, ए रनिंग एट अ फास्ट पेस, बी फ्लाइंग इन द एयर, सी शोइंग स्ट्रेंथ या डी ने बहुत तेज दौड़ना, हवा में उड़ना, ताकत दिखाना या हिन हिना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना पर कह रहा है, ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, लगा दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, ₹3,000, ये रहा विवेक कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के लोकप्रिय स्नैक्स मंगोड़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पत्नी जी मुस्कुरा रही हैं। विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स इज यूज टू मेक मंगोड़ी ए पॉपुलर स्नैक ऑफ राजस्थान? ए राइस, बी लेंटिल्स, सी व्हीट, बाजरा, चावल, दाल, गेहूं या जौ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दाल। दाल जी सर, है जी सर, सर लेंटिल्स, दाल, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप विवेक कुमार जी। देखा था आपको अभी, आप चाय बना रहे थे, खाना भी पका रहे थे और साथ साथ पत्नी जी भी कुछ उधर खाना पका रही थी
अच्छा, जब खाना बन रहा होता है तो आप दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बात करते हैं? जी सर, जब समय मिलता है तब जुड़ जाते हैं सर, फोन पे जुड़ जाते हैं। बताती होंगी आपको कि गलत कर रहे हो तुम, बराबर खाना नहीं बना रहे। ऐसा होता है क्या पत्नी जी? ऐसे ही होता है ना? कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको बताया हो कि आप गलत बना रहे हैं पदार्थ? नहीं। ओके, जब आप साथ होते हैं जी सर, तो पत्नी जी का बनाया हुआ खाना आपको मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है सर, इतना मिलता है खाना बनाया हुआ कि सर मैं यहाँ से 2-4 किलो वेट कम करके जाता हूँ। ये इतना खिलाती हैं कि जो महीने 2 महीने में मैं वेट कम करता हूँ, ये 2-4 दिन में बढ़ा देती हैं उतना। बताइए भाई साहब, ऐसा है कि देखिए, पति पत्नी में ये जो है ना, इतना प्यार तो होना चाहिए। बिल्कुल पत्नी जी अगर आपको प्यार से खाना ना खिलाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है। सही सर, सही। तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए, सह लीजिए। बाद में जाकर के जब आप उनसे दूर हो जाएं आपकी पोस्टिंग की वजह से, तो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट विवेक जी, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट का कौन सा प्रारूप खेला जाता है? Which form of cricket is played in the Big Bash League, Pakistan Super League and the Caribbean Premier League? A. Test, B. ODI, C. T20 या D. T10? A. Test, B. एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, C. T20 या D. T10? सर प्लीज लॉक ऑप्शन C, T20। श्योर सर। T20 पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आ गया, 10,000 रुपए मूल्य है इसका। विवेक कुमार जी, ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपयों के लिए खेल का पहला पड़ाव। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग वाले इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ क्रिमिनल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज ऑफन यूज्ड बाय द फोरेंसिक डिपार्टमेंट? ए. DNA फिंगरप्रिंटिंग, बी. DNA editing, C. DNA splicing या D. DNA amplification? ऑप्शन A. DNA fingerprint। श्योर है? श्योर सर। DNA fingerprinting A पे ताला लगा दीजिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसको DNA fingerprinting या DNA profiling में किसी व्यक्ति के जैविक अंश जैसे कि खून हो, बाल हो, त्वचा आदि के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। इसमें स्पेसिफिक डीएनए क्रम का इस्तेमाल होता है जिसे माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, जो कि डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। ऑलराइट, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, अगला प्रश्न है ये। अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड, ये चल पड़ी जी देंगे आप। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक आपको गाना सुनाया जाएगा भाई साहब। ये गाना किन दो अभिनेताओं पर फिल्माया गया है? दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन विच 2 एक्टर्स? ऑडियो है, गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। फिर से सुनेंगे जी? नहीं सर। नहीं जी। नहीं सुनेंगे जी? नहीं सर। अच्छा, ऑप्शन सुनिए। ए. अनिल कपूर और सलमान खान, बी. अक्षय खन्ना एंड बॉबी देओल, सी. संजय दत्त एंड गोविंदा, डी. अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम। भाई साहब इतनी जानकारी आप रखते हैं। सर ये गाना सुना हुआ है, शायद गरम मसाला मूवी का है। अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम पर डी ताला लगा दीजिए कह रहे हैं विवेक कुमार जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप, बधाई आप। फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? जब कभी सर समय मिलता है, कोई अच्छी मूवी जैसे जिसकी बहुत चर्चा होती है तो सर जी जी। पत्नी जी आपको ले जाते हैं साथ में जब आप लोग साथ होते हैं? ले जाते हैं सिनेमा दिखाने। अभी आजकल कोविड का जमाना चल रहा है, सब थिएटर बंद हो गया, अभी तो सर बंद ही चल रहा है। जब कभी छुट्टियां मिलती हैं सर साथ होते हैं, और कोई ऐसे अच्छी कोई मूवी आ रही है बताते हैं, बहुत चर्चा चल रही है तो चले जाते हैं देखने। ऑलराइट विवेक कुमार जी, अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको।
ये रहा सातवां प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस राज्य में वर्तमान में उस पार्टी का शासन है जिसके नाम में इस राज्य का नाम आता है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स इज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ अ रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बिहार, बी झारखंड, सी वेस्ट बंगाल, डी उड़ीसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड जी। शोर है जी, लगा दे ताला। जी बिल्कुल सर। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पार्टी का नाम भी बता दीजिए। जी सर, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सर। वाह क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी है, पश्चिम बंगाल की मुख्य सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, उड़ीसा में बीजू जनता दल। वेल प्लेड विवेक कुमार जी, वेल प्लेड। अब आएगा आठवां प्रश्न, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको विवेक कुमार जी, और इस हस्ती को पहचानिए जो भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी हु वाज इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर। कैन वी सी द इमेज प्लीज। देख लिया जी सर। ऑलराइट, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए रूथ प्रवर झबवाला, बी पर्सिस खंबाटा, सी भानु अथैया या डी लीना दारू। जी सर, लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। नहीं मालूम उत्तर, कौन सी लाइफलाइन लेंगे सर? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न को हटा देंगे। जी सर। किसी एक को गेस कीजिए क्या उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का। सर ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। ओके, रूथ प्रवर झबवाला ए पे ताला लगाइए। नहीं जनाब, ये गलत होता। भानु अथैया, फिल्म गांधी में अपने काम के लिए भानु अथैया ने भारत का पहला ऑस्कर जीता था। भानु अथैया का अक्टूबर 2020 में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया जी। ये ड्रेस डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और इन्होंने जो वस्त्र दिए थे और डिजाइनिंग की थी गांधी फिल्म में जी, जी। उसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला जी, जी। मुझे भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का जी। हमारी एक शुरुआत में 1969 में फिल्म थी रेशमा और शेरा जी सर, सुनील दत्त जी की फिल्म थी, वहीदा रहमान जी की फिल्म थी, उसमें इन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की थी। वो भी फिल्म राजस्थान पर थी। अच्छा, तो उसमें उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की जी, जी। ओके, हमारे पास जो सूची है 11 विषयों की, आपसे कहा था कि एक विषय को चुने, आपने क्या चुना था? जी सर, माय सिटी माय स्टेट। माय स्टेट चुना था आपने, तो चौड़ा खेड़ा और राजस्थान के ऊपर प्रश्न आएगा आपके सामने। कमिटा महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन में चौड़ा खेड़ा राजस्थान के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन हमारे सामने रख दीजिए। तो माय सिटी माय स्टेट के आधार पर यह आ गया है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के पास स्थित इस मंदिर को पहचानिए। एक और छवि आपको हम दिखाएंगे जी। आइडेंटिफाई दिस टेंपल लोकेटेड नियर द चंबल रिवर इन कोटा राजस्थान। ये है वो छवि। ये मंदिर है, किला लग रहा है हमको, किला टाइप है सर। जी देख लिया अच्छी तरह से। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए गलताजी टेंपल, बी सलासार बालाजी टेंपल, सी गराडिया महादेव टेंपल या डी ब्रह्मा टेंपल। ए गलताजी मंदिर, बी सलासार बालाजी मंदिर, सी गराडिया महादेव मंदिर, डी ब्रह्मा मंदिर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गराडिया महादेव मंदिर। गराडिया महादेव टेंपल सी पे ताला लगा दीजिए कब। जीत गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गराडिया महादेव जो मंदिर था, का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो दाबी और चित्तौड़गढ़ की ओर जाने वाली रोड जो है, जो सड़क है, एनएच
नेशनल हाईवे NH-76 के पास स्थित है। ये जगह अपने शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है। आपने देखा है कभी इस मंदिर? जी सर, मैंने मंदिर नहीं देखा है, ये राजस्थान टूरिज्म का जो एडवर्टाइजमेंट हुए थे सर, तो उसमें सर ये वीडियो प्रमोट की गई थी सर। ओ, तो आपने वीडियो देखा था? जी वीडियो देखा था। से आपको ज्ञान आया? जी। ऑलराइट, बड़ा विचित्र लगा हमें। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे किला है कोई। जी 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 सर। लेकिन है भगवान शिव को समर्पित ये कराड़िया महादेव। ओके, वेल प्लेड वेव कुमार जी। अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं आप? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर विवेक कुमार जी, ये रहा। हर बार कभी या तो छवि आ जाती है, या गाना आ जाता है, या वीडियो आ जाता है। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इस पर्वत को पहचानिए, यानी गाने से इनको तसल्ली नहीं है, छवि से तसल्ली नहीं है। उन्होंने कहा चलो एक वीडियो भी डाल देते हैं। आइडेंटिफाई द माउंटेन सीन इन दिस वीडियो क्लिप। तो पहले आपको हम वीडियो दिखा देते हैं, फिर आपके सामने विकल्प रखेंगे। जी सर। दिखाइए वीडियो कंप्यूटर महाशय। देख लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए माउंट फूजी, बी माउंट कुक, सी माउंट कोसियस्को, या डी माउंट माकालू। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। नहीं आ रहा याद अब? जी नहीं। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी लेंगे? 50-50 सर। 50-50 करेंगे। ऑलराइट, 50-50 को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। माउंट फूजी, माउंट कुक। बेसिकली सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, चल। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर। ओके बोलिए कौन सी लाइफलाइन। सर आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ऑलराइट। जी सर। इसको अंकित कर दीजिए। आनंद कुमार जी, आपकी बारी आ गई है। आपसे एक प्रश्न मैं रखूंगा, और 50-50 के लाइफलाइन से दो जो विकल्प थे वो मिट गए हैं। प्रश्न डालने से पहले पहले आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं। एक बार वीडियो दिखाया जाए आनंद कुमार जी को। वीडियो देख लिया आनंद कुमार जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, दो हैं सिर्फ विकल्प। जी जी, आपके आवाज आ रही है हमारी? आपको नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो शायद ऑफ है। आनंद कुमार जी, अगर आवाज नहीं आ रही है तो देखिए मैं दो ऑप्शंस रखूंगा, आप दो ही हैं, ए और बी। आप ए के लिए एक उंगली उठाएंगे, बी के लिए दो उंगली, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ऑलराइट। तो वीडियो क्लिप आपने देख लिया? देख लिया। दो ऑप्शंस हैं। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इस पर्वत को पहचानिए, 60 सेकंड मिलेंगे। ए माउंट फूजी, बी माउंट कुक। ए माउंट फूजी, बी माउंट कुक। ए पहला माउंट फूजी। श्योर है? ताला लगा दें। ऑलराइट, कह रहे हैं माउंट फूजी पे। ऑलराइट, माउंट फूजी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आनंद कुमार जी आपने। बधाई बधाई बधाई। अरे भाई साहब, हमने सोचा आपको पता होगा, ये बहुत ही प्रचलित एक जगह है माउंट फूजी, और मुझे लगा कि चलिए पहाड़ ना देखा हो, लेकिन जगह से आपको पता चलेगा। एक ट्रेन गई थी, कैसी ट्रेन थी वो? बुलेट ट्रेन थी। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन आजकल कहाँ चल रही है? जापान में चल रही है सर, जापान में चल रही है। मुझे और वहीं का ये बहुत ही प्रचलित एक स्थान है माउंट फूजी। जी जी। तो फूजी जो नाम है वो जापानी नाम लगता है, और ट्रेन भी आपने जी जी सोचा आप निकाल लेंगे इसका अनुमान। कोई बात नहीं, माउंट फूजी 12,388 फीट ऊंचा पर्वत है। ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जो 1707 में हुए अपने आखिरी विस्फोट के बाद से निष्क्रिय हो गया है, साइलेंट हो गया है।
लेकिन अभी भी भू वैज्ञानिकों द्वारा इसे सक्रिय रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑलराइट, नौ प्रश्न हो गए, 1,60,000 रुपए हो गए, 3 लाइफलाइंस हो गई हैं और समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। जी सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देखिए देवियों सज्जनों, हम भले ही नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हों, लेकिन हमारे साथ साथ COVID-19 भी बिना बुलाए मेहमान की तरह प्रवेश करता चला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम सब सरकार द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन करें, ताकि इस महामारी से हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नियमित रूप से अपने जो ऑक्सीजन लेवल है और जो टेम्परेचर है, बुखार का जो नापते हैं, उसकी जांच आप करवाते रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। कोई भी अवसर कैसा भी हो, वहाँ इन चीज़ों का आप पालन करें। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे विवेक कुमार जी। तब तक के लिए शुभरात्रि, 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 गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच। Whoa!